वो मामू मम्मा कहाँ है? हौसला रखो, खुदा को यही मंजूर था। मैं जरा हॉस्पिटल के मामला देख लूं। ना जाने महमूद क्या सोच रहा होगा, अम्मा ने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। क्या था जो मुझे जाने देती? मैं कौन सा आज ही महमूद के साथ भाग जाती? अब महमूद तो शायद यही सोच रहा है ना कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। अच्छा सुने ना, वो आपको याद है ना डिनर पर जाना है अम्मी के यहाँ? अरे बे, ससुराल का डिनर भूल कर मैं आपकी नाराजगी मोल लूंगा, पागल हूँ मैं? अच्छा वो मुझे बैंक भी जाना था, कुछ जेवर निकालने, तो अकेले नहीं जाना चाह रही मैं। आप एक काम कीजिएगा कि 2 बजे के बाद ऑफिस आके मुझे पिक कर लीजिएगा, हम बैंक चले चलेंगे, उसके बाद आप मुझे वापस ऑफिस ड्रॉप कर दीजिएगा। आज बैक टू बैक मीटिंग्स, चले मैं जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे महक, तुम उठ गई? नाश्ता बनवा दियो तुम्हारे लिए। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। भाभी, वैसे आपसे एक बात पूछनी थी कि अगर बीवी को शौहर को अपना गुलाम बनाना हो तो उसके लिए बीवी को क्या करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि बेवकूफ हैं वो औरतें जो शौहर को गुलाम बनाकर खुद गुलाम की बीवी बनकर रहती है। भाई अकलमंद औरत तो वो है ना जो शौहर को बादशाह बनाकर उसके दिल में मलका बनकर रहे। क्या ख्याल है? अच्छा, मगर मुख्तार भाई तो आपका हर हुक्म सर झुकाकर ऐसे मानते हैं जैसे कोई गुलाम हो। कहते हैं ना, हुस्न देखने वाले की नजर में होता है, तो बस रिश्तों को जैसे देखोगी वो वैसे ही नजर आएंगे। अगर मुख्तार मेरी हर बात मानते हैं ना, तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरी दिल से इज्जत करते हैं, और ये इज्जत मैंने उनसे लड़के झगड़ के नहीं कमाई बल्कि अपनी मोहब्बत से और ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाने से कमाई। हाँ, हो सकता है आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन कुछ लोग रजा जैसे भी होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर लो लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अपने खौल से बाहर आए तो फिर ही रिश्ते निभाए ना। नहीं नहीं, रजा तो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत मुखलिस और मोहब्बत करने वाला है। महक, तुम उसे समझने में गलती कर रही हो। रजा और मुखलिस, अगर वो इतने ही अच्छे इंसान होते ना तो अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करते। क्या मैंने एक छोटी सी ख्वाहिश की थी कि मुझे अलग घर में रहना है, और वो ही नामुमकिन हो गई उनके लिए। हालांकि पैसे की भी कोई कमी नहीं है उनको। बात अलग घर की नहीं है, बात उन रिश्तों की है और उनके एहतराम की है। और महक, बी जान ने और बाबा जान ने ये घर बहुत मेहनत और मोहब्बत से बनाए हैं,
और वो नहीं चाहता कि उनसे वो अलग घर का कहकर उन्हें दुखी करे। मेरा यकीन करो, वो इसीलिए उनसे नहीं कहता कि वो बीजान और बाबा जान को दुखी नहीं करना चाहते। वही तो, रजा को सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल है। मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती। नहीं महक, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना वो इस घर से, इस घर के रिश्तों से प्यार करता है, उससे कई ज्यादा तुमसे प्यार करता है। बस रिश्तों के एहतराम की वजह से तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकता। देखो महक, रिश्ते छोड़ने और तोड़ने बहुत आसान है, लेकिन इसे जोड़े रखना और उन्हें अपनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मोहब्बत। के पास से निकला तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा, ट्रीटमेंट शुरू करवाया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट तो कर दिया, मगर सर शायद खुदा को यही मंजूर था। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम्हें सब्र देगा परवरदिगार। लेकिन बेटा, अगर तुम महसूस करते हो तो कुछ दिन के लिए छुट्टी कर लो, जब बेहतर महसूस करो तो फिर ज्वाइन कर लेना। बाबा जान बिल्कुल ठीक कह रहे। नहीं, मेरा छुट्टी करने को दिल नहीं करता। वैसे भी कौशल के बगैर घर में दिल ही नहीं लगता, और आप लोग तो जानते हैं कि मैं अपना काम फर्ज और इबादत समझकर करता हूं, और इबादत में छुट्टी की गुंजाइश होती नहीं है। हमारी खुशकिस्मती है महमूद के हमें और हमारी कंपनी को तुम जैसा ईमानदार और वफादार साथी मिला है। जिस तरह से तुमने इस ऑफिस के सारे मामला संभाले हैं, शायद ही कोई संभाल सके। शुक्रिया। मैं वो आपके प्रोडक्ट की कोटेशन आपको मेल करूं या जफर साहब को? नहीं, तुम दोनों को भेज दो, क्योंकि लॉन्च फेज तक रजा जफर के साथ रहेगा। क्यों रजा? जी बाबा, जैसा आप कहें। ठीक है, तो मुझे इजाजत। ठीक है बेटा, जाओ। हाय बाबा। बैठे बाबा, बैठे।